नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम पंचक के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि कब पंचक लगता है, पंचक के कितने प्रकार है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि पंचक के प्रकार भी होते हैं, और खास पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि भूलकर भी अगर पंचक के दौरान आप ये कार्य करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पंचक के बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सबसे पहले किसे पंचक कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम बताते हैं आपको कि जब कुंभ और मीन राशि का चंद्रमा हो, चंद्रमा का परिभ्रमण जब मीन और कुंभ राशि में हो तब पंचक लगता है। मतलब कि चंद्रमा 2.5 से 2.5 दिन तक एक राशि के भीतर परिभ्रमण करता है, तो वैसे दो राशियों का परिभ्रमण मतलब कि अमूमन 5 दिन का समय लगता है, और दिन का एक नक्षत्र और ऐसे गिने जाए तो 5 नक्षत्र होते हैं, और 5 नक्षत्र भी कौन से, तो धनिष्ठा, शततारा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये अंतिम जो 5 नक्षत्र है उसके संगम को पंचक कहते हैं। अब जानते हैं पंचक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार शुभ कार्य अगर करना चाहे कोई व्यक्ति तो उसमें मुहूर्त देखता है, तो शुभ मुहूर्त के साथ साथ पंचक का विचार करना भी उतना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करना चाहे तो वह शुभ समय में हो वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पंचक का जो समय है, जो नक्षत्र गणना के अनुसार गिने जाए तो 27 नक्षत्र है और एक दिन का एक नक्षत्र भोग होता है, तो नक्षत्र गणना में जो अंतिम 5 नक्षत्र है, धनिष्ठा, शततारा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये 5 नक्षत्र दूषित कहे गए हैं, तो इन 5 नक्षत्रों में अगर कोई कार्य किया जाए तो उसका हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त के साथ साथ पंचक का भी होना, पंचक का भी विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। पंचक देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि पंचक में कोई भी कार्य हो, अशुभ कार्य हो, तो उसकी 5 बार पुनरावृत्ति हो ऐसा माना जाता है। तो अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है पंचक के दौरान, तो उसी के परिवार से या उसी के संबंधियों में से 5 बार पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि कोई 5 व्यक्ति मर जाते हैं, और उसके निवारण हेतु आटे, चावल या फिर घास के 5 पुतले बनाकर उसका विधि विधान पूर्वक दाह संस्कार किया जाता है, जिससे यह दोष का निवारण होता है, तो ऐसा अशुभ फल प्राप्त न हो इसीलिए पंचक देखना अनिवार्य है। अब जानते हैं पंचक के कितने प्रकार है और उसमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहला प्रकार है रोग पंचक। नाम से ही आप जान गए होंगे कि यह अशुभ प्रकार है, और इस पंचक के दौरान अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसका हमें शुभ फल नहीं मिलता है, और ये 5 दिन जो है वह मानसिक एवं शारीरिक कठिनाइयों से भरपूर होते हैं, और कोई भी मांगलिक कार्य इस पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रकार है राज पंचक, मतलब कि आप जान गए होंगे यह शुभ प्रकार है। सोमवार से अगर पंचक की शुरुआत हो, मतलब कि अगर सोमवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण अगर सोमवार को पड़े तो उसे राज पंचक कहते हैं। राज पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, इसमें आपको सफलता मिलेगी, और कोर्ट कचहरी इत्यादि के जो कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगी, और संपत्ति के अनुरूप संपत्ति का कोई भी कार्य हो वह आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार से शुरू होने वाला जो पंचक है उसके दौरान आप कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है अग्नि पंचक। अगर मंगलवार के दिन से पंचक की शुरुआत हो तो उसे अग्नि पंचक कहते हैं, और इसके भीतर कोर्ट कचहरी के कार्य और हक प्राप्त करने के जो कार्य होते हैं वह किए जा सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु औजार इत्यादि का निर्माण करना, फिर मकान इत्यादि का निर्माण करना, वो सब कार्य आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो कार्य आप करेंगे तो उसके भीतर आपको असफलता मिलेगी। मतलब कि यह पंचक है वह मिश्रित है,
कुछ कार्यों में आपको सफलता मिलेगी बल्कि कुछ कार्यों में आपको असफलता का भी सामना करना पड़ेगा। अब चौथा प्रकार है चोर पंचक। अगर शुक्रवार के दिन से पंचक की शुरुआत हो तो उसे चोर पंचक कहते हैं। इसके भीतर विद्वानों का ऐसा मत है कि यात्रा नहीं करनी चाहिए, कहीं भी आपको जाना हो तो इस पंचक के दौरान नहीं जाना चाहिए, और कोई भी व्यापार हो, सौदा हो और किसी भी प्रकार की लेन देन इस पंचक के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेन देन या फिर सौदा या फिर व्यापार इस पंचक के भीतर करते हैं तो आपको बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जिस कार्य की मनाई की गई है अगर वो कार्य आप करते हैं तो आपको बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। पांचवा और अंतिम प्रकार है मृत्यु पंचक। जी हाँ, नाम से ही आप जान गए होंगे कि मृत्यु पंचक नाम है, मतलब यह अशुभ है। इसके भीतर कोई भी जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आप जोखिम भरा काम करते हैं तो उसमें आपको असफलता मिलेगी, चोट, विवाद या फिर मृत्यु, परेशानियां इत्यादि कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। हम आपको यही सुझाव देते हैं कि इस पंचक के भीतर आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कोई भी कार्य नहीं करना, मतलब कि जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं आपके जीवन के लिए वो उसका शुभारंभ आपको नहीं करना है। और अगर बुधवार से पंचक की शुरुआत हो तो उसे राजपंचक ही समझना चाहिए। जो सोमवार का फल है वही आपको बुधवार को मिलेगा। और अगर गुरुवार के दिन पंचक की शुरुआत होती है तो उसे आपको अग्नि पंचक समझना है। जैसा कि मंगलवार का फल है वैसा ही आपको गुरुवार को फल मिलेगा। अब जानते हैं पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए और भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले हमें दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक के दौरान नहीं करनी चाहिए, हमें दक्षिण दिशा में पंचक में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, अगर आपका मकान का निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, तो उसकी छत का जो कार्य है, छत भरने का जो कार्य होता है, वह पंचक के दौरान कतई नहीं करना है। और ईंधन इत्यादि का जो संग्रह करना होता है, लकड़ी इत्यादि ईंधन संग्रहित करते हैं, उसे भी पंचक के दौरान संग्रहित नहीं करना है। और पलंग इत्यादि शैया का निर्माण, खरीदना और दान करना वर्जित कहा गया है। मतलब कि कोई भी नई शैया आप बनवाना चाहते हैं, पलंग बनवाना चाहते हैं, सोफा निर्माण करवाना चाहते हैं, तो उसे पंचक के दौरान कतई न करें। और ऐसे अन्य कार्य भी है जिसे पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। जैसे आपके जीवन के लिए जो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। यह पंचक का निर्णय हमने उज्जैन के कालानुमान से किया है कि उज्जैन में कब पंचक लग रहा है, उसके अनुसार पूरे भारत का हमने बताया। अगर आप अपने प्रदेश का, आप जहां निवास करते हैं उस स्थान का पंचक जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, या फिर आपके प्रादेशिक कोई अन्य विद्वान ज्योतिषी है उससे संपर्क कीजिए और ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर कोई भी शंका हो तो आप हमें बताइए। नीचे आप देख रहे होंगे कि सभी पंचक जो वर्ष के शुरुआत से लेके वर्ष के अंत तक जितने भी पंचक आने वाले हैं उन सभी पंचक का हमने विवरण दे रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।